जीवन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। यात्री चलेगा तो कहीं ना कहीं अवश्य पहुंच जाएगा। मुझे नहीं ज्ञात कि मेरा लक्ष्य क्या है, नहीं ज्ञात कि मैं संसार में क्यों आई हूं, नहीं ज्ञात कि मेरा जन्म क्यों हुआ। जिस यात्री को ना लक्ष्य ही ना ज्ञात हो, वो कहां पहुंचेगा? क्या आपने आज तक किसी को मेरी अवस्था में देखा है? हाँ, प्रत्येक को देखा है। जीवन धारा के प्रवाह में प्रत्येक के समक्ष ऐसी परिस्थिति आती ही है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि जो इस समय मुझसे बात कर रहा है वो कौन है। मनुष्य का परिचय उसके कर्म होते हैं या किसी ने, नाम तो उसके स्थान, उसके वंश, उसके रूप के अनुसार रख दिए जाते हैं। परंतु तुम्हारी उत्सुकता को शांत करना भी आवश्यक है। तुम द्रुपद की द्रौपदी हो तो मैं वसुदेव का वासुदेव हूं। यदि श्यामल होने के कारण तुम कृष्णा हो तो मैं कृष्ण। परंतु यदि इस समय कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो ये कि तुम चिंतित हो और मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। आपसे वार्तालाप करने का मेरे पास कोई कारण तो नहीं, परंतु आपसे बात करके अच्छा लगता। आपसे वार्तालाप करके मन को एक विचित्र शांति तो मिलती है, परंतु मन में आए प्रश्नों का उत्तर नहीं। और क्या प्रश्न है जिनका तुम्हें उत्तर चाहिए कृष्णा? एक ही तो प्रश्न है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रणाम द्वारकाधीश। महाराज द्रुपद और कुमार दृष्टद्युम्न आपके निवेदन पर अग्निकुंड के स्थल पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो मैं आ रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जा रहे हैं वासुदेव। इस समय किसी और की शंका का निवारण करना अधिक आवश्यक है पांचाली। हो सकता है कि उस समाधान में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें मिल जाए। समय ऐसी शक्ति
मन में घृणा द्वेष भरे फिर अपनों को लड़वाए, सही समय पे सत्य को लाए झूठ को करे किनारे, राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे। मैं अपने प्रतिशोध के लिए प्रयाण कर रहा हूं, ऐसे में आपने हमें यहां क्यों बुलवाया? एक परीक्षण के लिए, एक प्रयोग के लिए। कैसा परीक्षण और यहां क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जन्मस्थल है दृश्यदुम, स्थल को यज्ञ अग्नि ने पवित्र किया है। ऐसे स्थान मनुष्य के पंच दोष सामने ले आते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन पंच दोषों की ऊर्जा ऐसे स्थान पर धूम्र में परिवर्तित हो जाती है और ये धूम तुम्हारे दोषों का है द्रुपद कुमार। दोष जितना अधिक होगा धूम उतना सघन होता जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं वासुदेव। अपने पुत्र के लिए आपका मोह पांचाल नरेश, ये पहला दोष है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। भूम्र बढ़ गया ना, चूंकि दूसरा दोष समक्ष आ गया, मत। इन सब बातों का मंतव्य क्या है वासुदेव? क्या आप हमें हस्तिनापुर पर आक्रमण करने से रोकना चाहते? नहीं, इसके विपरीत मैं तो इस आक्रमण में आपका साथ देना चाहता हूं पांचाल नरेश। आप हमारा साथ दोगे? यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर पराजय का प्रश्न ही नहीं। लो तीसरा दोष। परंतु मैंने जो कहा मेरा मंतव्य वही है पांचाल नरेश। मैं इस आक्रमण में आपके साथ रहूंगा, परंतु उससे पूर्व दृश्यदुम को मुझ पर एक प्रहार करना होगा। क्या? हाँ, मात्र एक प्रहार। मुझे यह जांचना है कि इस युद्ध में जिसका सहभागी बनने जा रहा हूं क्या वो मेरे साथ का पात्र है भी या नहीं। परखना चाहता हूं कि ये महायोद्धा द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम है भी या नहीं।
माता कुंती के अंतिम संस्कार में मुझे सम्मिलित होने दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कैसा कर्ण? मैं जानता हूं माता कुंती के साथ में तुम्हारा विशेष स्नेह था, और एक बात, तुम मेरे लिए मेरे राधा से कम नहीं हो। मित्र, कल मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। कल मेरा युवराज अभिषेक है मित्र, और यही तो तुम्हारा भी स्वप्न था ना। कर्ण, मैं जानता हूं तुम्हें लगता होगा कि जिस मार्ग पर चलकर मैंने ये मुकुट प्राप्त किया है वो उचित नहीं है, परंतु यदि तुम, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे अभिषेक के लिए, मैं प्रस्तुत रहूंगा। तुम्हें मित्र माना है, और कल रात सभा में उपस्थित रहकर मैं अपने मित्र होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। मैं जानता था मेरा ये मित्र मुझे कभी निराश नहीं करेगा। अहंकार, एक और दोष। क्या हुआ दृष्टि, तुम आगे बढ़ो, प्रहार करो। क्रोध, अंतिम दोष। वासुदेव, मैं आपका मंतव्य समझ गया। मेरा पुत्र अभी द्रोण से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये माया समाप्त कीजिए वासुदेव। माया का बाण छूट चुका है पांचाल नरेश। जब तक सारे लक्ष्य भेद नहीं देता, रुक कैसे सकता है? अब कौन सा लक्ष्य शेष है? नहीं, रुको पुत्र। प्राणों की रक्षा की। पश्चाताप, भूल का पश्चाताप पांचाल नरेश। प्रत्येक दोष का निवारण पश्चाताप है। आपकी पुत्री पांचवी पंचकन्या है, इस युग की इकलौती पहली चार त्रेता युग में आई अहिल्या, मंदोदरी, सीता और तारा, और अब द्वापर युग को प्रतीक्षा थी पांचवी पंचकन्या की, द्रौपदी की।
अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का समय आ गया है पांचाली। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और प्रयोजन भिन्न होते हैं। अर्जुन से विवाह तुम्हारे पिता का प्रयोजन था। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा, बहुत आगे है द्रौपदी। एक बार मेरी दृष्टि से अपने आप को देखो, अपने लक्ष्य को देखो। आपकी दृष्टि में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वासुदेव? परिवर्तन। केवल एक मनुष्य के जीवन का परिवर्तन नहीं, समस्त संसार के जीवन में। इतिहास की धारा को परिवर्तित करना है तुम्हें। पातक नाश तुम्हें पापों का नाश करना है। आपने मेरी आंखें खोल दी केशव। मैं सौभाग्यशाली हूं पुत्र कि मुझे द्रौपदी जैसी पुत्री प्राप्त हुई। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना है। त्रिकंड, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं मित्र, क्योंकि आज मेरा सबसे प्रिय मित्र मेरे अभिषेक में मेरे साथ उपस्थित था। मैं यहां आया क्योंकि एक मित्र के अभिषेक में उपस्थित होना मेरा कर्तव्य था। तुम्हारा मित्र तुम्हें युवराज बने देखना चाहता था और उसकी अभिलाषा पूरी हुई और हमारे साथ की अवधि भी। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। युग बदल रहा है पांचाल नरेश। समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहां परिवर्तन का प्रारंभ होगा। शीघ्र ही इतिहास करवट लेगा। समय चक्र की अंगड़ाई सृष्टि को झंझोर देगी। पंचदोष बढ़ेंगे और ये सब होगा एक महान शांति के लिए।
संसार के कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए। और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर।